कोई फायदा नहीं तुम्हारा, जाने दो, जाने दो, अरे जा नहीं पाओगे आप है। महोबा जा रहे हैं सपा के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने फिलहाल जाटवा में रोक लिया है। पूर्व मंत्री और विधायक मनोज जी हमको अपना काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की राष्ट्रीय आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी थी विधायकों का एक दल, और हम लोग जो इंद्रमणि जी की हत्या हो गई उस हत्या पे हम लोग शोक संवेदना प्रकट करने जा रहे थे। यही चिट्ठी प्रदेश कार्यालय से गई है, यही जिलाधिकारी महोबा को और पुलिस अधीक्षक महोबा को भी अवगत कराया गया। लेकिन आज जिस दिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पहले हमारे आवास पर 150-200 सिपाही और दरोगा लगा दिए गए, किन किन जिलों और रास्ते से होकर के आज जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पर भी हमें रोका जा रहा है और शोक संवेदना नहीं प्रकट करने दिया जा रहा। तो मेरी मांग है कि या तो अगर हम लोगों ने कोई कानून के विरुद्ध कार्य किया तो हमारी गिरफ्तारी की जाए, और नहीं लोकतंत्र में किसी को संवेदना प्रकट करने जाने से रोका जाना ये एकदम अनुचित है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कारण क्या बता रहे हैं आपको प्रशासन का, क्या बता नहीं, मैं यही प्रशासन से पूछ रहा हूँ, मैं यही जानना चाहता हूँ, अपना ज्ञान वर्धन करना चाहता हूँ कि किस कानून के तहत और किस नियमों के अंतर्गत हम दो लोग जा रहे हैं। आप देख लीजिए दो गाड़ियां हैं हमारे साथ, केवल दो गाड़ियां, एक में हमारी सुरक्षा स्टाफ है, हम तीन विधायक हैं और हम विधायकों को नहीं जाने दिया जा रहा। हम लोग चुने हुए विधायक हैं, अगर किसी जगह हम लोग शोक संवेदना नहीं प्रकट कर सकते इससे बड़ा भी अन्याय कोई नहीं है। मनोज जी, चाहे विवेक तिवारी हत्याकांड हो या महोबा का, आपको नहीं लगता कि पुलिस पर शायद उस तरह से नकेल नहीं कैसे जा रही है, इस तरह घटनाएं हो रही है? नहीं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हत्या हो गई है, मुकदमा कायम है, पुलिस ने एसआईटी की जांच सरकार ने कर दिया है। अगर किसी के यहाँ हत्या हो गई उसमें अगर मनोज पांडे वहां चले जाएंगे और संवेदना प्रकट कर देंगे तो इससे कौन सा कानून का उल्लंघन हो जाएगा? पुलिस क्यों डर रही है, सरकार और प्रशासन क्यों डर रहा है कि हमें वहां नहीं जाने दे रहा मनोज पांडे को? हमारे जाने से वहां कौन सी हो जाएगी? उनके यहाँ इतनी बड़ी घटना घटी है, हम लोग संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं, पुलिस क्या छुपाना चाहती है हमसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अराजकता आप रोक नहीं पा रहे हैं, अपराध आप रोक नहीं पा रहे हैं, रोज एक नई हत्याएं हो रही हैं। कल लखनऊ में परसों अमन मिश्रा की हत्या हो गई। अगर संवेदना प्रकट करने जाएगा एक चुना हुआ विधायक, और पार्टी ने एक डेलीगेशन बना करके भेजा है, समाजवादी पार्टी ने हमारी अध्यक्षता में हमारे तीन विधायकों की एक कमेटी भेजी है कि हम संवेदना प्रकट करके आएंगे उस परिवार को और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो संवेदना है उन तक पहुंचाएंगे, उनका पत्र है हम लोगों के पास कि उनका संवेदना पत्र उन तक हम लोग पहुंचाएं, और उस पर आज यहाँ पर रोक रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एसआईटी की बकायदा वहाँ पर जांच चल रही है, विपक्ष बेवजह मामले को तूल दे रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसका जनता और आप सब लोग स्वयं इसके गवाह हैं कि अगर हम दो गाड़ी से जा रहे हैं और केवल संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं, कोई धरना नहीं करने जा रहे हैं, कोई प्रदर्शन नहीं करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कौन सा माहौल खराब होगा। अगर किसी के यहाँ मरने पर मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने कोई जा रहा है और उस पर रोका जा रहा है, और इससे अगर सरकार कहती है कि माहौल खराब करने जा रहे हैं, ये जनता तय करेगी। हम दुखी परिवार के साथ उनके दुख को बांटने जा रहे हैं, न कोई धरना करने जा रहे हैं, न कोई प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अगर इस पे हमें रोका जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि अन्याय है और लोकतंत्र का मान मर्दन हो रहा है। फिलहाल आगे क्या रणनीति रहेगी? नहीं, मैं तो जाऊंगा वहां पर, ये तय है, या पुलिस हमें अरेस्ट करे या हमको शोक संवेदना प्रकट करने शांतपूर्ण ढंग से हम लोग जाएंगे। केवल तीन लोग जाएंगे, केवल तीन लोग जाएंगे, हम तीन विधायक जाएंगे, और हमारी संवेदना उन तक पहुंचनी चाहिए, वहां तक हमको जाने देना चाहिए। अगर इस पर प्रशासन रोक रहा है तो ये गैर कानूनी है, नियमों के विरुद्ध है, लोकतंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है, और किसी के आंखों के आंसू भी हम न पोंछ पाए, उसके परिवार में दुख में न शामिल हो पाए, हम समझते हैं अन्याय है।